So, very good afternoon, all of you. We're meeting after a long, long time, huh? So, hope you all are doing great and enjoying this little bit weather change, bit chilliness. So, how many of you like winters? Just raise your hands. Okay, Aditi likes it. Okay. Jyoti likes it. Paridhi likes it. Okay. Wow, that's good if there are people who likes it. Ashmi likes it. Okay. None of the boys likes it, huh? All the girls have raised. Yeah, this weather is fine, but when it's too cold, then it's difficult to manage, absolutely. Okay. So let's begin with today's session. We'll have to do a little recap, okay? हमने लास्ट क्लास में कहाँ पे वाइंड अप किया था इफ यू रिमेम्बर हमने वाइंड अप किया था मेकिंग आर एक्टिविटी प्लान यू रिमेम्बर हमने एक्टिविटी पिरामिड स्टडी किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज होते हैं कुछ हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं और मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं कुछ फ्लेक्सिबल बनाते हैं कुछ हमारा स्टैमिना बढ़ाते हैं राइट सो स्टैमिना बिल्डिंग एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस So what we had to do is we had to make our own activity plan. हमें अपना एक activity plan बनाना था अगर आपको याद हो तो right? For a week जिसमें हमने हर तरह के activities डालने थे हमने strength building भी डालने थे stamina building भी डालने थे stamina building हमें week में 3 से 5 times करना होता है जिसमें running, jogging साइकिलिंग कोई स्पोर्ट्स प्ले आप करते हैं वो सब आता है आपका स्ट्रेंथ बिल्डिंग में हमने क्या करना था स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज में योगा जिमनास्टिक्स इवन हियर आल्सो साइकिलिंग कम्स इन सो दीज वी हैव टू डू 2 to 3 times अ वीक अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैड टू डू वाज वी हैड टू आल्सो इंक्लूड सर्टेन एक्टिविटीज जो हम रोज करें विच इज नॉट एक्सरसाइज बट फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि अपना वाटर का ग्लास खुद लेके आना वाटर बॉटल जान के दूर रखना ताकि आप हर थोड़ी देर बाद स्टैंड होकर लेकर आओ उसे अपना प्लेट खुद किचन में रख के आना मामा पापा का हेल्प करना सर्व करने में डाइनिंग टेबल लेआउट करने में राइट एंड टेकिंग स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स सो दीज वर सर्टेन चेंजेस दैट वी वर सपोज टू डू एंड वॉट वी हैड टू कट डाउन ऑन सो कट डाउन आपने क्या करना था फॉर इंस्टेंस योर टीवी टाइम एंड अगर कोई मार्केट नियर बाय है या नियर बाय प्लेस से आपको कुछ लेना है सो इंस्टेड ऑफ गोइंग वाया व्हीकल यू विल कट डाउन दैट एंड रादर यू विल प्रेफर वॉकिंग ओके सो दीज वर द थिंग्स दैट वी हैड लर्नड इन द लास्ट क्लास एंड वी हैड टू मेक आर एक्टिविटी पिरामिड कीपिंग इन माइंड मंडे को हम क्या करेंगे ट्यूजडे को क्या करेंगे वेनसडे को क्या करेंगे और क्या चीज कट डाउन करेंगे राइट नाउ वी मूव ऑन टू द पार्ट यू नो अबव इट अब हमें एक्टिविटी पिरामिड तो समझ आया इसके बाद हमने फूड ग्रुप्स पढ़े थे कि जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ कहाँ से आता है कौन से ग्रुप से आता है सो फूड ग्रुप्स में हमने क्या स्टडी किया था दैट मेजरली हम जो भी खाते हैं वो 5 food groups में से आते हैं फर्स्ट इज योर सीरियल ग्रुप राइट जिसमें आपका ब्रेड पास्ता रोटी राइस ऑल दीज थिंग्स का सेकेंड वॉज योर पल्सेस एंड मीट ग्रुप जिसमें आपकी दाल राजमा देन मीट ग्रुप में से इफ यू ईट नॉन वेज और एग दैट कम्स इन देन नेक्स्ट वॉज योर फैट्स एंड ऑयल ग्रुप्स जिसमें आपका राइट अश्मी वेजिटेबल ग्रुप ऑल्सो सो इट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप सो ऑल द फ्रूट्स ऑल द वेजिटेबल्स दैट यू ईट कम्स अंडर दिस एंटायर ग्रुप देन वी हैव द फूड ग्रुप एज मिल्क एंड डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट ग्रुप जिसमें आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं सारे राइट सो ऑयल पनीर चीज देन योर कर्ड मिल्क इट गोज इन टू दैट कैटेगरी एंड लास्टली इट्स योर फैट्स एंड ऑयल ग्रुप जिसमें आपके नट्स आते हैं फैट आता है ऑयल आता है जिसमें मम्मा आपकी कुकिंग करती है फ्राई करती है बटर आता है सो ऑल दीज कम्स इन टू दोज कैटेगरीज ओके सो दिस इज वॉट वी हैव लर्न सो फार नाउ वी विल मूव फ्रॉम हियर बट बिफोर वी मूव ऑन आई हैव 4 people रेजिंग देयर हैंड लेट मी जस्ट लिसन टू देम यस दृष्टि सॉरी ध्रति सॉरी यस ध्रति Ma'am, please name my name. Yeah, you are. Atishi Kaushik. Just tell your name once again. Atishi Kaushik. Adishi. ADISHI. AATISHI.
AAIDISHI. ओके मैम स्पेलिंग गलत है. यू सेड AA राइट मैम. AATISHI राइट. यस मैम एक्चुअली इट वेंट इन द कैप लॉक्स एंड दैट जस्ट टू से. ओके फाइन आदिशी. यस आश्मी. मैम वो गलती से उठा था. ओके अंश. मैम गलती से हो गया था. ओके यस आतक. मैम मैंने अपने पीजी क्लासेस के वर्क की वन कॉपी बनाई है. मैम इस कॉपी में मैंने सुपर एजुकेटर मैम जो हमारी सुपर एजुकेटर मैम है उनकी भी यही कॉपी है. तो मैंने सुपर एजुकेटर मैम एंड अवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पीरियड की दोनों कॉपी मिक्स कर दी. सो कैन आई मिक्स दैट इफ दैट वी हैव नो प्रॉब्लम. And mom, today I have to do my work in my copy, or I have to take one sheet. You don't have to write anything today, as such. There'll be just a small task of writing. So, आप कुछ भी use कर सकते हो उसमें. Okay. Mom, excuse me. I have my dewdrops book, so I have to write down my activity pyramid into page number. Into my book, or I have You had to make it Sarthak because book mein it's not giving you the clarity. वो सिर्फ line दिख रहा है. Monday के बाद line था. Which is why I had made a table for you so that you understand कि आपने कौन कौन सा please वो table share कर दीजिएगा. Okay, I'll just open the screen towards the end for it. Okay. I will take the screenshot. Yeah, I'll share it in the end before the session. Thank you. Yeah, okay. All right. Okay, people. So now comes the next question. अब हमें food groups भी पता चल गए. हमें पता चल गया जो हम खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है. कौन से ग्रुप से खा रहे हैं. नाउ इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें कौन से ग्रुप से कितना खाना है. अब आपने सुना होगा कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए मोटे हो जाओगे. तो कौन सा ऐसा फूड ग्रुप है जो हमें मोटा करेगा. कभी मम्मा बोलती है ठीक से खाना खाओ वेजिटेबल्स खाया करो तभी स्ट्रॉन्ग बनोगे. तो कौन सा फूड ग्रुप है जो हमें ऐसे हेल्प कर रहा है और कितना खाना चाहिए. राइट. सो कैन एनीवन थिंक कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें कितना फूड खाना है कौन से फूड ग्रुप से. यस मोनिश्का. मैम हम एक टेबल बना सकते हैं लाइक वन वीक का. उसमें हम लिख सकते हैं कि किस दिन हमें क्या खाना है. लाइक सीरियल खाना है तो उसमें डे लिख देंगे. लाइक मंडे को सीरियल खाना है वेजिटेबल खानी है. okay. ऐसे लिख देंगे तो हम कर सकते हैं. So we are maintaining a table to chart our eating basically कि हम रोज क्या खा रहे हैं कौन से ग्रुप से. ओके सार्थक. मैम फैट तो हमें ऑल फूड से मिलता है बट ज्यादा फैट हमें लाइक चीज हो गया शुगर हो गया बटर हो गया ज्यादा फैट इनसे मिलता है. एंड ये हमारी स्किन भी बहुत ज्यादा कर देता है. एंड ये हमारी ग्रोथ में हेल्प नहीं करता. हमें पता ऐसे चल सकता है कि सीरियल्स एंड पर्सेस हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. एंड मैम बाकी की दाल हमारी इम्यूनिटी बिल्डिंग में हेल्प करता है. वेजिटेबल्स आल्सो हेल्प इन टू बिल्ड अवर इम्यूनिटी. बट चीज एंड शुगर इज ओनली फॉर टेस्ट नॉट टू डू समथिंग. Ma'am, we can maintain this by seeing how many cheese. Ma'am, by writing, हम कितना चीज वन वीक में खा रहे हैं वन डे में खा रहे हैं उससे हमें रियलाइज होएगा हम कितना ज्यादा चीज एंड फैट खाते हैं. फिर हम उसको कट डाउन करने की कोशिश करेंगे. ओके सो ओवर हियर इफ यू सी
टू पीपल हैव शेयर्ड कि हम अपने पास चॉक आउट कर सकते हैं रोज का अपना डाइटरी इनटेक कि हम क्या खा रहे हैं, कौन से ग्रुप से खा रहे हैं, एंड वी कैन मैनेज. बट तब भी हमें ये कैसे पता चलेगा ना कि हम फैट क्या सच में ज्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं. अब फॉर एग्जाम्पल, अब जब आपको जो फीवर होता है राइट, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप ये वाला मेडिसिन आप लाइक इफ यू आर गिविंग इट टू द चाइल्ड, आप सिर्फ हाफ टैबलेट देना, और अगर आप किसी बड़े को दे रहे हो तो वन टैबलेट देना, होता है ना. या फिर क्रोसिन अगर आपने देखा हो सिरप, लाइक वेन यू वर स्मॉल हैविंग दैट क्रोसिन सिरप, उसमें भी लिखा होता है कि अगर बेबी इज लाइक 1 to 2 years तो आप उसको वन स्पून दोगे या हाफ स्पून दोगे, उस पर लिखा होता है राइट. तो हमें पता है कि हम इतना ही दे सकते हैं. ऐसे ही हमारे फूड के साथ होता है, एक फिक्स्ड गाइडलाइन है जिसको हमें फॉलो करना होता है. जब हम ये देख रहे हैं कि हाँ हम कितना सीरियल खा रहे हैं दिन में, कितना हम फैट खा रहे हैं, कितना हम आपका पल्सेस ग्रुप से खा रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग टू सी कि हम प्रॉपरली मील खा रहे हैं या नहीं, और वो बैलेंस्ड मील है या नहीं, कि हम सारे फूड ग्रुप्स पूरे दिन में ले रहे हैं या नहीं, हमारी हर मील में ले रहे हैं या नहीं. ओके, मील आई मीन ब्रेकफास्ट में सारे फूड ग्रुप्स ले रहे हैं या नहीं, लंच में ले रहे हैं या नहीं, मिड मील में ले रहे हैं या नहीं. सो दीज आर योर मील्स. ओके, अब लेट्स से लंच की बात होती है, लंच इज अ मील. अ मील में आप चपाती लेते हो, दैट कम्स फ्रॉम योर सीरियल ग्रुप. उस पर आप थोड़ा सा घी लगाते हो, दैट कम्स फ्रॉम योर फैट ग्रुप. उसके साथ आप वेजिटेबल खाते हो तो वो वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप से आ गई. इफ यू ईट पल्सेस विद इट, वो दाल ग्रुप से आ गया. आप कर्ड्स के साथ खाते हो तो डेयरी प्रोडक्ट आ गया. सो इफ यू सी, आपने कितने 5 फूड ग्रुप्स में से आपने 4 फूड ग्रुप्स तो एक टाइम पर खाए, तो यानी ये बैलेंस्ड मील है ना, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रुप्स यूज कर रहे हैं उसमें. ओके, बट कितना मैं सीरियल दिन में खा सकती हूँ, कितना मैं पल्सेस ग्रुप में से दिन में खा सकती हूँ, ये मुझे कैसे पता चलता है? ये मुझे पता चलता है फूड पिरामिड से. जैसे हमारा एक्टिविटी पिरामिड होता है ना, ऐसे ही हमारा फूड पिरामिड होता है. अश्मी, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज, आई वांट टू कंप्लीट दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट. ओके, ऑलराइट. सो इफ आई जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू, आई जस्ट शो यू कि हमारा फूड पिरामिड दिखता कैसे है. सो दिस इज आवर फूड पिरामिड. ये भी एक ट्रायंगल शेप का पिरामिड है. दिस इज अ okay, so this is a 2D pyramid, what you can see right now. Just give me a minute, there's a little bit of a network issue going on. There was a network issue. I'll just reshare the screen. It just went off. Right. Okay. So this is your food pyramid. इसमें अगर आप देखो, आपको ऐसे पिरामिड दिख रहा है. तो जैसे हमारा एक्टिविटी पिरामिड होता है ना, कि जैसे जैसे हम पिरामिड के ऊपर की तरफ जाते हैं तो टिप पर जो सबसे ऊपर होती है वो चीज हमें कम करनी होती है सबसे, और जो बेस होता है वो हमें सबसे ज्यादा करना होता है. इसी तरीके से फूड पिरामिड होता है. तो फूड पिरामिड में सबसे नीचे आपका आता है सीरियल ग्रुप, जो कि आप दिन में 6 से 11 टाइम्स ले सकते हो.
आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी लेते हो, दैट्स वन टाइम. उसके बाद आप मिड मॉर्निंग में अगर बिस्किट्स लेते हो, सेकेंड टाइम हो गया, या केक का स्लाइस लेते हो, लंच में चपाती या राइस या इडली लेते हो, अगर अगेन टी या मिल्क के साथ आप कुछ लेते हो. जनरली ये हमारा सीरियल ग्रुप होता है, तो हम सीरियल ग्रुप सबसे ज्यादा दिन में खा सकते हैं. ओके, सो दैट इज 6 to 11 सर्विंग्स अ डे. उसके बाद अब उससे कम हमने क्या लेना है, उससे कम हमने लेना है वेजिटेबल या फ्रूट ग्रुप. अब वेजिटेबल्स हम दिन में कितने ले सकते हैं, हम 3 to 5 वेजिटेबल्स दिन में खा सकते हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड योर सैलड. ओके, एंड फ्रूट्स में यू कैन हैव 2 to 4 फ्रूट्स इन अ डे. अब उससे कम आप क्या लोगे, उससे कम आप लोगे मिल्क ग्रुप एंड योर पल्सेस एंड मीट ग्रुप. मिल्क ग्रुप आप दिन में कितनी बार ले सकते हो, 2 to 3 टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल आप 1 बार मॉर्निंग में मिल्क ले रहे हो, 1 बार इवनिंग में मिल्क ले रहे हो, 1 time आप कर्ड खा रहे हो, सो दैट मेक्स 3 अलाउड बट नॉट मोर देन दैट. सिमिलरली पल्सेस आप डे में 2 to 3 टाइम्स ले सकते हो. तो ये पल्सेस में आपके स्प्राउट्स भी आ सकते हैं. लेट्स से आपने मिड मील में 1 time स्प्राउट्स खा लिया, 1 time आपने दाल खा ली, 1 time अगर आप एग खाते हो आपने एग खा लिया, नहीं तो आपने टोफू खा लिया, टोफू इज ऑल्सो इट्स अ सोया पनीर, आपने वो खा लिया. सो 2 to 3 टाइम्स आप ऐसे खा सकते हो इसको. और सबसे कम आपने क्या खाना है, सबसे कम आपने ऑयल ग्रुप खाना है और स्वीट्स खाने हैं. स्वीट्स में आपके शुगर ग्रुप आता है. ओके, सो दिस इज द लीस्ट दैट यू शुड ईट. सो हमारा फूड पिरामिड हमें गाइड, मैम उससे भी कम हमें जंक फूड खाना है, राइट? सो दिस गाइड्स अस कि हमें कितना खाना है. ओके, सो फूड पिरामिड इज व्हाट हेल्प्स अस टू नो कि हमें कितना खाना है कौन से ग्रुप से. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल मोर, लेट्स डू अ स्मॉल एक्टिविटी. यू जस्ट नीड अ पेपर विद योरसेल्फ, और जरूरी नहीं है पेपर, इफ यू कैन रिमेंबर इट दैट्स परफेक्टली अप टू यू. व्हाट द एक्टिविटी इज, द एक्टिविटी इज दैट आई विल रीड आउट अ स्टोरी टू यू. ठीक है, द स्टोरी इज अबाउट बेकिंग अ केक. सो देयर इज दिस गर्ल हु वांट्स टू बेक अ केक फॉर हिज मदर फॉर मदर्स डे. अब वो केक बेक करने के लिए उसमें क्या क्या चीजें यूज कर रही है ना, दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट विद योरसेल्फ. ठीक है, व्हाट ऑल मटेरियल शी इज यूजिंग टू बेक द केक, राइट? सो यू जस्ट मेक अ लिस्ट विद योरसेल्फ एंड देन वी विल हैव अ शेयरिंग अराउंड इट. सो आई विल बिगिन द स्टोरी. Prakriti, along with her father, wants to bake a cake for her mother to give the Mother's Day surprise. She sat down with her father to make the list of the raw material they need to bake a cake. Then they together went to the kitchen to check for the raw material available with them and put the tick against the name of the raw material that they get. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि पहले लेट्स मेक अ लिस्ट कि हमें क्या क्या चाहिए केक बनाने के लिए, एंड देन दे विल गो टू द किचन. तो जो जो चीज उनको मिलती जाएगी वो क्या करेंगे, वो उसका नेम जो है लिस्ट में से कट कर देंगे कि ये हमारे पास है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट दे बिगिन विद. सो व्हाइल स्कैनिंग थ्रू द लिस्ट, प्रकृति सेड, डैड आई कैन लोकेट कुकिंग ऑयल बॉटल on the right side of the shelf. On opening the first cupboard, father could locate a jar of sugar, a small bottle of baking soda and baking powder. They kept looking here and there from one shelf to another for cocoa powder, but alas, they couldn't find it. But in the process of finding cocoa powder, they stumbled upon the main ingredient of cake. So can you guess what's the main ingredient of cake? Koi guess karega sabse important ingredient cake ka? Yes, Ashmi? Ma'am, maida. Right, it's the maida. So maida or the all-purpose flour. So they find the all-purpose flour. And they got, and they were excited after finding it. You know why? Because they forgot to write it in the list only. Okay. Then next is, now after looking at the kitchen, they go to the refrigerator and they check out for milk and eggs there. And viola, it was there. But the list did not end. They are still left with cocoa powder and choco chips.
So they headed towards the grocery store to procure these materials. And once they were ready with this material, what's next? They were ready to bake the cake. Now, can any one of you tell me what ingredients use away? Anyone would like to share? Naman, would you like to share the ingredients? Yes, Naman. Mam, cocoa powder. Okay. So, Dhruv? मैम हमें केक बनाने के लिए चाहिए मैम मैदा मिल्क एग एंड चॉकलेट मैम चॉकलेट ओके वी यूज्ड कोकोआ पाउडर ओके नेक्स्ट मैम चॉकलेट मैम आइसक्रीम 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 तो नहीं थी लिस्ट में आइसक्रीम कौन यूज करता है ओके परिधि मैम जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं मैम जो मैं केक बनाती हूँ मैम वो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं नो यू हैड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द स्टोन ओके मैम वो भी है उसमें और कुछ अलग से भी है मैम शुगर मैदा कोकोआ पाउडर And my milk, eggs, choco chips, oil. Okay. And baking soda, baking powder. Yes, ma'am, baking soda. Yeah, right. Ma'am, can I tell how I make? But is it towards the end if we are left with the time, okay? Okay, ma'am. Yeah. All right. So, definitely, yes, these were the ingredients as Paridhi has shared were used in the cake. Now, important thing you know is what here to understand. कि इस केक में हमने मैदा यूज किया हमने शुगर यूज किया मैदा इज कमिंग फ्रॉम सीरियल ग्रुप शुगर इज कमिंग फ्रॉम वेयर शुगर इज कमिंग फ्रॉम योर शुगर स्वीट ग्रुप ओके सिमिलरली इसमें आपने ऑयल यूज किया विच इज कमिंग फ्रॉम द फैट्स ग्रुप हमने मिल्क यूज किया डेयरी ग्रुप एग्स यूज किए पल्सेस ग्रुप बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर किसी ग्रुप से नहीं आते बिकॉज दोज आर जस्ट लिटिल बिट अमाउंट्स गिवन फॉर एनहांसिंग द केक ताकि केक आपका राइज हो सके ओके सो दैट इज नॉट द इनग्रीडियंट एज इन फ्रॉम सीरियल ग्रुप है अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखो हमने सारे सीरियल ग्रुप्स तो कवर किए बट क्या ये केक हम हेल्दी बना रहे हैं क्योंकि इसमें शुगर कितनी सारी है और हम सबको पता है मैदा इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ मच राइट तो मैं इस केक को हेल्दी कैसे बना सकती हूँ एनीवन हु वुड लाइक टू गेस अंश मैम आटे का भी केक बना सकते हैं वेरी नाइस हम इसमें ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा की जगह हम व्हीट फ्लावर यूज कर सकते हैं वेरी ट्रू तक्षील मैम उसमें ना ब्रेड भी यूज होती है केक में तो ब्रेड तो इतना हेल्दी चॉइस नहीं है ना फिर क्या कर सकते हैं उसको हेल्दी कैसे बनाएं सोचो सोचो ऋशांक मैम बाय पुटिंग ड्राई फ्रूट्स इन इट एंड मैम बाय पुटिंग फ्रूट्स इन इट यस वी कैन डेफिनेटली ऐड फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स टू इट टू मेक इट मोर हेल्दियर Yes, and at times vegetables also. Carrot cake bhi toh hota hai na. So yes, good suggestion, Vishank. Bhavya? Ma'am, hum log... Ma'am, maine apne ingredients share karne ke liye hand raise kara tha. Okay, then you can lower it, beta. Because we are on the next question right now. Right. So as people suggested, हम इसमें fruits और nuts डाल सकते हैं हम इसका main ingredient ही substitute कर सकते हैं So instead of using मैदा what you can do is you can use wheat flour. आप इसमें oats का flour भी use कर सकते हो right? So to make it healthier choice.
You can add a bit of suji also to it to give that crunchiness to it. So yes. Apart from sugar, हम sugar का substitute क्या कर सकते हैं? हम इसमें जागरी, हम गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ का powder आता है, हम वो use कर सकते हैं. That's the healthy choice then sugar. हम इसमें honey use कर सकते हैं instead of sugar to make it healthy. तो what our focus over here is कि food pyramid से हमें ये तो पता चलता है कि हमें कौन सा cereal group ज़्यादा खाना है और कौन सा कम खाना है. बट हर सीरियल ग्रुप में भी हमारे पास कुछ चॉइसेस होती हैं जो हमारे फूड को हेल्दी बनाती हैं और कुछ जो नहीं बनाती हैं. ओके, तो कैसे हम फूड ग्रुप्स में से हेल्दी चॉइसेस यूज कर अपने रेसिपीज को और हेल्दी बना सकते हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड माइंड. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल लाइक ईटिंग बर्गर, राइट? अब बर्गर्स में हम अगर बंस जो है वो वीट फ्लावर वाले ले लें, दैट्स अ लिटिल हेल्दियर चॉइस देन द नॉर्मल बंस. आलू का जो हम टिक्की खाते हैं उसमें हम सिर्फ अगर आलू ना डालकर और वेजिटेबल्स डालें, एट टाइम्स यू नो आई आल्सो पुट इन इट सोयाबीन होता है ना आपका, उसका जो स्मॉल कीमा आता है, आई पुट दैट ऑल्सो, सो आई मेक इट प्रोटीन रिच ऑल्सो एट टाइम्स. सो इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइंग आप उसको शैलो फ्राई कर लो, तो आपने उसको हेल्दी चॉइस बना लिया. वो फ्राइड बहुत ऑयली नहीं हो गया ना, कम ऑयल गया आपके अंदर, राइट? सो व्हाट इज फूड ऑल अबाउट? जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं ना, तो फिजिकल हेल्थ का मतलब एक्सरसाइज और फूड होता है. अब फूड में सिर्फ ये नहीं होता कि मुझे कम खाना है या ज्यादा खाना है, इट इज ऑल्सो अबाउट बैलेंस्ड कि मैं सब फूड ग्रुप्स में से खा रही हूँ या नहीं, और जितना रिक्वायर्ड है उतना खा रही हूँ या नहीं, एंड अपार्ट फ्रॉम इट माई हेल्दी चॉइसेस, राइट? अगर मैं बहुत फ्राइड खाना खाती हूँ, अगर मैं बहुत अनहेल्दी जंक वाला खाना ज्यादा खाती हूँ जो मेरे बॉडी को हेल्प नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली आई विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग. ओके, राइट? सो सिमिलरली अब लेट्स से पिज्जा, पिज्जा हमें पता है इट्स प्योरली मैदा दैट वी ईट, बट व्हाट इफ वी मेक द पराठा पिज्जा एट होम? पराठा पिज्जा तो आप रोटी से बना सकते हो ना, एंड यू कैन ऐड चीज टू इट अ बिट, देन आप उसमें पनीर वगैरह सब घर पे कर सकते हो. सो दैट यू मेड अ हेल्दी चॉइस एंड यू आर ऑल्सो एंजॉइंग द मील. सो यू कैन मेक अ टेस्टी मील यूजिंग हेल्दी इनग्रीडियंट्स, राइट? नाउ आफ्टर दिस वॉट यू हैव टू डू इज योर क्रिएटिव वर्क. अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जब हमारा ये प्रोजेक्ट फिनिश होगा तो हमारा इसका एंड क्या होगा, आप सब एक एडवर्टाइजमेंट बनाओगे, राइट? सो विद दिस वी एंड विद आवर चैप्टर टुडे. एंड यस तक्षील, यू कैन हैव होममेड पिज्जा यूजिंग द हेल्दी चॉइसेस. वंशिका, यू विल हैव टू वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स बेटा, प्लीज. ओके, सो because I am giving the guidelines for the advertisement, then I'll talk to you, okay? So, आपने अपने लिए एक advertisement अब create करना है. अब वो advertisement के मैं guidelines आपसे share भी कर रही हूँ अभी, and I'll also share the link here with you all, for you all to keep those guidelines with yourself while you prepare your advertisement, okay? So, just give me a minute. I'll first share the link with you all here. Okay, so this is a Google Doc. It's a Word document which you can refer to. Archana ma'am, if you can just check it once if the link works. I've just shared it here. All right. Yes, ma'am. Okay. Right. So in the meanwhile, no, this was not. Right. So our project is how much cautious are we towards our health? हम अपना कितना ध्यान रखते हैं health का? That was our title. And
these are the guidelines for preparing the advertisement. So this document is the one that I've shared with you. सबसे पहले एडवर्टीजमेंट हमारी 1 से 2 मिनट्स की, इससे ज्यादा बड़ी नहीं बनाओगे आप, ठीक है? 1 मिनट की हो, मैक्स 2 मिनट्स। आप हिंदी में भी बना सकते हो, आप इंग्लिश में भी बना सकते हो, बट दी ओनली कंडीशन ओवर हियर इज चूज ओनली वन लैंग्वेज, या तो सिर्फ इंग्लिश में बनाना या सिर्फ हिंदी में, ओके? आफ्टर दिस यूज एप्रोप्रिएट प्रॉप्स, अगर आपको कोई प्रॉप्स की जरूरत है अपने एडवर्टीजमेंट के लिए आप बना सकते हो, यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि हम एडवर्टीजमेंट बना किस पे रहे हैं? आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हो एक हेल्दी स्नैक पे। हेल्दी स्नैक मफिन हो सकता है, कोई बिस्किट हो सकता है, कोई चिप्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, ओके? एनीथिंग दैट यू गेट इन द मार्केट। तो आप कोई भी हेल्दी स्नैक ले सकते हो, बट वो इनोवेटिव होना चाहिए, आपने खुद सोचा होना चाहिए। ये नहीं कि आप ब्रिटानिया बिस्किट्स का ऐड कर रहे हो, नो, आप अपना कोई बिस्किट सोचोगे, अपना कोई मफिन सोचोगे और उसके ऊपर एड बनाओगे, ओके? तो जो भी आप स्नैक सोचोगे, कोई बर्गर भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ओके? सो एनी स्नैक, एंड देन यू हैव टू गिव इट अ कैची नेम। तो आप जो भी स्नैक बनाओगे आप उसको नेम दोगे। अब मार्केट में आप कोई भी ईटेबल चीज देने जाते हो उसका नेम होता है ना, तो ऐसे ही जो भी आप स्नैक सोचोगे अपने लिए आप उसको एक नेम दोगे। उसके बाद आप जब उसके बारे में सोचोगे कि ओके मैं क्या स्नैक बना रही हूँ, लेट्स से मैं मफिन बना रही हूँ, तो मफिन में मैंने मैक्सिमम फूड ग्रुप्स यूज करने हैं, तो मैक्सिमम फूड ग्रुप्स में यानी नट्स वाला ग्रुप भी मैं उसमें यूज कर सकती हूँ, मैं उसमें सीरियल्स वाला ग्रुप हेल्दी चॉइस वाला यूज कर रही हूँ, मैं शुगर ग्रुप में से यहाँ पर लेट्स से जागरी यूज कर रही हूँ, ओके? अपार्ट फ्रॉम इट पल्सेस ग्रुप में से लेट्स से आई हैव यूज्ड एग, If I don't eat egg, I can remove it. मैं milk use कर सकती हूँ, curd use कर सकती हूँ। तो जितने ज्यादा use कर सकते हो आप try करना, मतलब one cereal पे, one group पे मत बनाइएगा, at least 2 या 2 से ज्यादा food groups use कीजिएगा, okay? तो आप उसकी जब recipe सोचिएगा तो सोचिएगा कि उसमें कितने food groups हैं और वो healthy choices होने चाहिए, कि जैसे मैदा की जगह हमने discuss किया, we can make it healthy by using wheat flour. शुगर की जगह लेट्स से वी कैन यूज जागरी और हनी, ओके? अब जब आप एड देखते हो टीवी में तो उसमें आप क्या देखते हो कि वो कितने अच्छे से बोली गई हैं, कैसे प्रेजेंट की गई हैं और उसमें क्या अच्छा है, है ना, कैसे वो अलग है। तो आपने भी यही करना है। सबसे पहले आपने अपनी एड में ये बताना है कि आपका स्नैक क्या है, ठीक है? उसका जो आपने नेम रखा है वो बताओगे ना कि वो स्नैक क्या है जो आपने बनाया है, वो कैसे हेल्दी है या वो क्यों हेल्दी है। क्योंकि अगर आप बताओगे कि उसमें क्या चीज उसे हेल्दी बना रही है तभी उसे लोग खरीदेंगे ना, ऐसे तो नहीं खरीदेंगे, राइट? उसके बाद आप बताओगे कि आपका स्नैक मार्केट में बाकी स्नैक से कैसे अलग है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोई चीज मार्केट में खरीद जाते हो, अब जब आप पेन लेने भी जाते हो मार्केट में, तो आपको स्टेशनरी अंकल बताते हैं ना, अरे ये वाले पेन से ना ये वाला बेटर है, इससे लिख के देखो ये ना ज्यादा चलेगा। तो वो बता रहे हैं ना कि वो दूसरे पेन से कैसे बेटर है, तो आपने भी बताना है कि कैसे आपका स्नैक जो है वो और स्नैक्स जो मार्केट में अवेलेबल है उससे बेटर है, और वो कैसे लोगों को बेनिफिट करेगा, उनकी हेल्थ के लिए वो कैसे इम्पोर्टेंट है। और कॉस्ट भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत महंगी चीज दोगे तो भी कोई नहीं लेगा, और अगर आप बहुत सस्ती दोगे तो लोग यही कहेंगे कि झूठ ही होगा, इतने हेल्दी बना रहे और इतने कम में तो कुछ भी नहीं मिलता। तो आपको इसलिए उसकी कॉस्ट भी सोच के हुए चलना है, ओके? देन कहाँ पर लोग खरीद सकते हैं, कि आपका जो स्नैक है वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है या ऑफलाइन अवेलेबल है। ऑफलाइन अवेलेबल है तो कहाँ कहाँ मिल जाएगा, तो आप वो बताओगे। देन नेक्स्ट इज अगर कोई डिस्काउंट या प्रोपोर्शनल है, अगर आप देखो कोई नई चीज मार्केट में आती है तो हम क्या करते हैं, जिस चीज पर डिस्काउंट होता है हम सब उसकी तरफ जाते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री पे या 50% ऑफ पे या फिर इसके साथ ये फ्री है, हम सब जाते हैं ना। तो उसी तरह से अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ कोई स्कीम रखोगे तो डेफिनेटली लोग आएंगे। तो आपकी एड में ये सारी चीजें होनी चाहिए, उसका नेम क्या है, कैसे वो हेल्दी है, कैसे वो और चीजों से बेटर है, कैसे वो लोगों को बेनिफिट करेगा, उसका कॉस्ट कैसे है, कहाँ पर वो परचेज किया जा सकता है, और अगर कोई आप स्कीम चाहते हो, ओके? आर वी ऑल क्लियर विद दिस? सो दिस इज द एडवर्टीजमेंट, आई हैव शेयर्ड द लिंक विद यू।
And I've shared the link as well. So, Archana ma'am, could you check if the link is working? So, in the next class, try to be ready with your advertisement and let's have a bit of a fun to see something kaise alag alag socha. Okay? So, with this, the topic is done from my end. We are through with it. And there are a few people who want to talk about. So let's quickly listen to them. Who's it? It's Vanshika and Rishank. Okay. Rishank, yes, Rishank. And then Vanshika. Ma'am, I was saying that, ma'am, have we to sell it? Sell it in the heart. Just a bit of ad hoti hai na, aapne ad banani hai sirf. Okay, ma'am. Okay, yeah. Yes, Vanshika. मैम जो केक होता है उसमें एग डालना इम्पोर्टेंट होता है नो आई डोंट पुट एग इन माय केक आई एट टाइम्स ईट एग दो बट नो आई डोंट बेक केक विद एग इट कैन बी बेक्ड विदाउट दैट एज वेल ओके संस्कार यू हैव अ डाउट यस मैम मैम जैसे हमने कोई चीज बनाया न्यू इनोवेट किया हेल्दी मैम तो फिर हम उसकी पैकिंग कैसे करेंगे बेटा आपने खाना बनाना नहीं सिर्फ सोचना है ठीक है ओके मैम क्योंकि आप एड बना रहे हो तो उसके लिए आपको सिर्फ सोचना है ओके ओके मैम थैंक यू फॉर एडवाइजरी And packaging otherwise depends on कि आपने क्या स्नैक बनाया है आप उस तरीके से पैक करते हो ओके यस आधक मैम आई हैव टू क्वेरीज मैम फर्स्ट यू शेयर्ड अ लिंक इन चैट बॉक्स व्हाट इज दिस लिंक इज रिलेटेड टू व्हाट जो मैंने आपसे गाइडलाइंस अभी शेयर किए थे ना स्क्रीन पे yes. Yes. It's the same thing. So, share your, ask a second doubt now. Ma'am, मैंने guidelines का तो screenshot ले लिया. ठीक है, कोई बात नहीं. But do me a favor, Sarthak. जो मैंने link share किया ना, just click on it and see if it's working. ठीक है? Ma'am, actually, I have my Microsoft Bing and I didn't have my Chrome. So this is a Google Chrome link. So how can I open it? You can open it. It's on the drive. Okay. No, ma'am, respect not really to the people. Ma'am, okay, aapne sirf yahan pe. Ma'am, yes. It is opening. Fine. Theek hai. Thank you. So people, it's working. Sarthak has also checked it for us. So agar aapne screenshot nahi bhi liya, aap is link ko copy kar lijiye. And you can open the page with yourself and then take the screenshot again. Okay. Yes, Monishka. Ma'am, I have to ask that main yahan par jaise list hai, to usme maine healthy things use kiye hai. Like डोनट जैसे बाहर अच्छा वो हेल्दी नहीं होता है तो हम घर में भी वेजिटेबल्स वाला डोनट बना सकते हैं फ्रूट का डोनट बना सकते हैं उसके ऊपर भी लिख सकते हैं ना आपने लिखना नहीं है आपको ऐड बोलना है जैसे आप टीवी में ऐड देखते हो ना वैसे वैसे बोलना है आप डोनट बना सकते हो डेफिनेटली यस ओके And ma'am, I have to ask that we have to make it or we have to only think. We have to only say what do we... Yeah, it's only about thinking. You don't yeah. have to Thank make you, and present the donut. Cook nahi karna aapne kuch bhi. Theek hai? Okay, Ansh. Ma'am, yes. You're raising your hand, bete. You have something to ask? No, but I'm raising.
All right. So, Bhavya? Not there. Okay. So, I've heard Vishang, Sanskar, Aditi. Ma'am, hamari next class kab hogi? You will get to know. Okay, ma'am. You'll get to know soon. Ashmi? Ma'am, hum chocolate snack banayenge, to hum usko paper pe draw karke dikha sakte hain. Haan, if you want to use that as a prop, aap bana sakte ho, ki wo dikhega kaise, right? You can. Okay. So fine, people, with this we wind up with today's session. Have a wonderful day. Enjoy your day. Vishank again has some doubt. Yes, Vishank, hurry up. Ma'am, I was saying that, ma'am, have we to cook it? Okay, ma'am. If you want to cook it for yourself, Vineet, you are allowed. Okay? Not for the other. Okay. See you all. Have a wonderful day, people. Bye-bye. Bye.